12 न्यूज खबर से तहकीक तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज। सबसे पहले बात होगी बारिश की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बकर में भी बादल खुलकर बरसे। दो रोज से बारिश का सिलसिला जारी। बकर रेलवे रोड, कॉलेज रोड, दरिया खान रोड, लैया रोड, मोहल्ला कमाल थी, आलमाबाद में कई कई फुट पानी जमा। पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया। कच्चे मकान आज जमीन बोस हो गए। रेस्क्यू 112 की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अफराद मलबे तले दब गए। एक खातून जान बहक। नोदक अड्डे पर गहरे गड्ढों में कई कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक का गुजरना भी महाल हो गया। गाड़ियां भी तबाह होने लगी। हैदराबाद थल में बारिशी पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से मुतअद्दिद कब्रें जमीन बोस हो गईं। सादवाला में मकान की छत गिरने से खातून जान बहक, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 112 ने DHQ हॉस्पिटल बकर मुंतकिल कर दिया है, जबकि जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर बकर की तरफ से फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई। दाजर चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग पुलिस कांस्टेबल से 5 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। CTD बखर में तैनात पुलिस एहलकार से 5 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर SHO थाना सदर बखर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नोता कड्डे पर लेन देन के तनाजे पर 4 मुसल्ला अफराद ने एक नौजवान को लहूलुहान कर दिया। जख्मी शख्स रईस को RHC सेंटर बेल मुंतकिल कर दिया गया। थाना बेल पुलिस ने मुलजमान जावेद वगैरह के खिलाफ थाना बेल में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें 12 न्यूज़।